यू हैव टू वेट 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 मुझे एक ही मुझे ना 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 हाथ सर 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 हाथ अंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या सवाल ये है कि जो कह रहे हैं कि पानी साफ हो गया वो अपने घरों से आरओ निकालने के लिए तैयार हैं और अगर तैयार हैं तो ये पानी पी के दिखाएं पहले नहीं ये तो मेरा पानी है आप पी लेंगे हाँ जी लोगों के घर में गंदे पानी की वजह से आरओ सड़ गया दो दो महीने पंडित जी मैं सर सर पहले दुरुस्त कर दूं आपने जो बात करी आपने नहीं करी 10 बार दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि दिल्ली गैस चैंबर बन गई है दिल्ली की स्थिति के जैसे काम नहीं कर रही जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इन्होंने क्या किया मुझे बताइए क्या किया मनोज जी मनोज जी अरे डिबेट में शालीनता बना के रखिए ये संसद नहीं है ये पार्लियामेंट नहीं है ये पार्लियामेंट नहीं है तानाशाही नहीं चलेगी आपकी अरे यहाँ बोलने दो यहाँ विपक्ष का गला मत दबाओ हमारा गला हमें अपनी बात कहने दो मनोज मुझे हाँ मुझे मुझे ये बताइए प्रतीक जी इन्होंने इन्होंने भरद्वाज लड़िए सबसे कम बोले ये सबसे कम बोले सबसे कम बोले सीडी के 16 साल के भ्रष्टाचार के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे क्यों एमसीडी कूड़ा नहीं उठा रही क्या एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं है क्या दिल्ली के 7 सांसदों की जिम्मेदारी नहीं है क्यों सांसद देखिए प्रतीक जी रामविलास पासवान जी के मंत्रालय ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने देखिए ये इनको शर्म आनी चाहिए यही केजरीवाल है केजरीवाल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के यही सीख है और यही इनके संस्कार है इनका चाल चेहरा और चरित्र सबके सामने है मुझे बताइए बीआईएस के आप बहुत बढ़िया भारतीय मानक ब्यूरो को अगर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है भारतीय संस्थाओं पर इनको विश्वास नहीं है भारतीय संवैधानिक संस्थाओं पर इनको विश्वास नहीं है मुझे बताइए इनको किन पर विश्वास है जब इनके जब ये 55-56 महीने ये लोग सरकार चला चुके हैं उसके बाद में इनको सब याद आता है फ्री बिजली देना फ्री पानी देना वो भी गंदा देना सर देश की यहाँ 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में लेकिन किसी को भी कुछ नहीं चाहिए कम से कम शर्म कीजिए भैया पानी और हवा तो अच्छा दे दीजिए इनको पहले ये प्रकाश जावड़ेकर साहब ने या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण पे कितने बार बैठक किया है हर 3 बच्चे जो मर रहे हैं हर 3 महीने नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में हर 3 मंत्री राज्य के वन मंत्रियों के साथ में पर्यावरण मंत्रियों के साथ में बैठक होती है आरडब्ल्यू ए लेकिन मुझे इनसे पूछे कितने बार केजरीवाल ने कहा कि मैं बैठक करने के लिए तैयार हूँ कितने बार ये संवेदनशीलता इन्होंने दिखाई है देखिए पोल्यूशन की बात चल रही है सबसे पहले तो पोल्यूशन का सोर्स क्या है ट्रैफिक जाम एंक्रोचमेंट किसने रोक दिया व्हीकल पोल्यूशन 1,72,000 व्हीकल्स शहर में घूम रही हैं किसने चेक लगा दी व्हीकल्स के ऊपर पराली जल रही है हरियाणा में यूपी में पंजाब में किसने रोक दी सिर्फ ब्लेम गेम चलती है सिर्फ ब्लेम गेम तुमने ये नहीं किया मैंने ये कर दिया अगर ये 5 साल ढंग से काम कर लें तहजीब से काम कर लें तो 5 साल बहुत हैं दिल्ली को सुधारने के लिए और दिल्ली को संवारने के लिए यमुना की हालत आज सबको पता है वहां से निकल जाओ तो बदबू आती है पानी की बात करते हैं दिल्ली में नलकों में पानी जरूर साफ आ रहा है लेकिन उसका टीडीएस लेवल क्या है उसका पीएच फैक्टर क्या है वो तो रिपोर्ट ही बता पाएगी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार हम लोग चलते हैं 100 जगह से सैंपल लेते हैं और उसको ओपनली टेस्ट करवाते हैं देखिए अभी मुद्दा जो है वो मिलावट का चल रहा था वो महामिलावट हो गई है सवाल है कि आज पानी की बात हो रही है आज पॉल्यूशन की बात हो रही है हम ये पूछना चाहते हैं कि 10 साल और 15 साल की जो गाड़ी बंद हो रही थी वो क्यों नहीं बंद हुई वो भी तो पॉल्यूशन का मुद्दा है जी जी बिल्कुल बिल्कुल मौलाना आपने बात शुरू की थी मिलावट से और बीच में चंपा नदी का आपने जिक्र किया था भागलपुर की और मैं जहाँ का हूँ दुर्भाग्य से वहाँ भी एक नदी सूखी है उसको खाए के मैं भी जहाँ का हूँ वहाँ भी एक नदी खत्म हो चुकी है और जहाँ रह रहा हूँ दिल्ली में ये भी एक नदी सूख गई यहाँ भी एक नदी खो गई है तो अब आप समझिए कि मिलावट हो क्यों रहा है महंगाई माफियागिरी और महरूमियत ये 3 मुद्दे हैं जिस पर काम होना था और तमाम राजनीतिक दलों ने इन 3 मुद्दों को पीछे कर दिया महंगाई पर कभी भी खुलकर बहस नहीं होती है यहाँ भी मिलावट माफियागिरी कोई महकमा आप बताइए चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बताइए चाहे हेल्थ का इंस्टीट्यूशन बताइए या जिस पर अभी रामविलास पासवान जी का नाम लेकर और केजरीवाल जी का नाम लेकर किया जा रहा बहस तमाम डिपार्टमेंटों में माफियाओं का कब्जा
काम करे तो कौन करे? माफिया गिरी पर पहले लगाम लगेगा तो मिलावट पर लगाम लगेगा। जी जी जी, जो कह के जो मिलावट कहे ना, थोड़ी जो अन्न की मिलावट है ना, जो अन्न की मिलावट है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। अभी पोल्यूशन पे मतलब यानी क्या प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, एक बार ना सुनिए, एक पार्टी को छोड़ के सारी पार्टियां मिल गई थी। ये जो मिलावटी अन्न है सारी पार्टियों के लोग खा रहे हैं, उसको वो अलग क्यों नहीं करते? जी 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 प्रतीक जी, प्रतीक जी, प्रतीक जी सुन लीजिए, प्रतीक जी, प्रतीक जी, प्रतीक जी, मैं अपने भाई से, मित्र से और देश की जनता यहाँ पर खड़ी हुई है। देखिए केवल और केवल केजरीवाल, ये उत्तर प्रदेश के मंत्री ने लिखा, देखिए उत्तर प्रदेश, नहीं नहीं अभी देखिए ऐसा है, ये भारत की जनता खड़ी है। केवल और केवल केजरीवाल ने, केजरीवाल ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है, वो अभी भी प्रेम प्रेम कर रहे हैं। अगर 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 रामलाल पासवान जी ने चैलेंज दिया है, बड़ा चैलेंज चैलेंज करते हैं, मुझे चैलेंज दीजिए, चैलेंज दीजिए, तो स्वीकार कीजिए। जनता को, जनता को स्वस्थ दल देखिए। मनोज मनोज, ये प्रोग्राम सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लिए है, ये प्रोग्राम